रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अपने आत्माओं, ये लीला परमात्मा की, श्री कृष्ण जी की एक लीला को, और कई हजार वर्ष हो गए आज तक उसको सुनाते और सुनतों को, और परमात्मा की सैकड़ों सुना दूं आपने, और जो आज तक प्रमाण है उनके, अब सेक तकी के तो फिर आग लगी मानना कहाँ था। जो 10-12 वर्ष का लड़का था वो जीवित किया परमेश्वर ने। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि हे कबीर जी, आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को अपने पुत्र के रूप में रख लिया। अपने पुत्र के रूप में रखा, उसको ज्ञान ध्यान भक्ति बताई। उसके बाद परमात्मा दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली में जाकर शेख तकी ने दूध मस्तार दिया, सब मुसलमानों को इकट्ठा किया कि राजा काफिर बन गया है, ये हो गया है, और भाइयों देख लो तुम ही, फिर बात बिगड़ेगी। तो मुसलमान कहने लगे, पीर जी फिर क्या इलाज हो? कहा कि तुम सब मेरे साथ चलो, एक काफिर आया हुआ है और वो उसने राजा पर कोई जादू जंत्र कर रखा है, वो तो उसके सिवा किसी की मानता ही कुछ नहीं है। आप मेरे साथ चलो और उसकी परीक्षा लेंगे। उसको उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में हम डाल कर देखेंगे। वो मर गया तो ठीक से, और नहीं मरा तो मान लेंगे ये भगवान है, अल्लाह है। सब ने कहा ठीक है शेख तकी। तो लेकर हजारों मुसलमानों को और पहुंच गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ सिकंदर लोधी के गए राज दरबार के सामने। अब राजा ने पता कराया कि केस और हो रहा, पता लगा कि जी शेख तकी हजारों मुसलमानों को, जनता जनों को लेकर आया हुआ है। राजा ने 5-10 को, मुखिया मुखिया को अंदर बुलाया, कारण पूछा तो उन कारण बता दिया गया। अब सिकंदर लोधी बड़े दुखी हुए कि महात्मा को लात इसलिए था कि ये कुछ विचार सुनेंगे इनका और हमारा ये आपस का द्वेष कम होगा, पर इसने तो जुल्म कर दिया शेख तकी ने। तो कबीर जी को वहीं अपने ही रेजिडेंस में अलग से कमरे में रखा हुआ था, वहाँ आदर से रह रहे थे। वहाँ गए तो कबीर जी ने पूछा क्या कारण है राजन, बड़े मायूस हो। सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी को शेख तकी ने बताया था कि हम इसकी परीक्षा लेंगे और हम ऐसे ऐसे उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर इसको देखेंगे, जो जीवित रहेगा तो हम भगवान मान लेंगे। अब कबीर जी ने कहा कि एक काम करो, इसको कह दो अपना कर ले काम जो करना चाहता है। और सिकंदर लोधी आज्ञा लेकर शेख तकी से कह दिया कि कर लो तुमने जो करना है। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर से आछे मोटे मोटे लकड़ चूल्हा बड़ा बनाकर उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया रखकर सरसों का तेल भर दिया और उसमें लकड़ जला दिए। अन्य उनको लकड़ जलाने वालों से कह दिया इसने कति इतना उबाल दे उन्हों जल उठे और इसमें प्रवेश होते ही चरण देसी खत्म हो जा। ऐसा ही कर दिया, उबले न पूरी तरह जैसे चाय उबला करे। अब शेख तकी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ कर डालो इसमें। परमेश्वर उठकर आगे खड़े हो गए कढ़ाई के पास और कहा आप इतना कष्ट ना कीजिए शेख तकी जी, मैं अपने आप प्रवेश कर जाता हूँ। परमात्मा एकदम उसमें प्रवेश कर गए और बैठ गया आराम से। गर्दन बाहर दिख रही है, परमात्मा बैठे नो देखें आराम से। शेख तकी नो कहे कुछ भी ना होया। शेख तकी क्या कहता है कि इसने इस गर्म तेल को जंतर मंतर करके ठंडा कर दिया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी गुरु जी कबीर जी का कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये ठंडा कर रखे और जंतर मंतर कर कहला देख लूं। तो कहने लगा सिकंदर लोधी के मैं चेक करता हूँ। परमात्मा बोले राजा इसमें हाथ मत दिए कि दे, निकम्मे गए कहने ते तू इसमें हाथ दे दे, तेरी उंगली नहीं पाऊंगी इतना गर्म है।
सिकंदर लोदी फिर भी नहीं माना कि कबीर जी बैठे मेरी उंगलियां के की बिजड़ी पड़ेगी। अगर नो करते करते उसने दो उंगली अंदर डाल दी, जितनी उंगली तेल में गई थी डूबी थी उतनी कट के अलग होगी, इतनी पीड़ा होगी सिकंदर लोदी बेहोश हो गए। तब परमेश्वर उस कड़ाए तो बाहर आए, यूं मार दिया राजा नकम्या ने। अब क्या किया, वैद्य रहते थे साथ में डॉक्टर सिकंदर लोदी के, पानी के छींटे छाटे मारे, होश में तो एकदम आ गया, फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। अब परमात्मा ने वो उंगली पकड़ के पूरी कर दी, वह उंगली कटी हुई भी ना रही और पीड़ा फिर रहनी कहाँ थी। फिर सिकंदर लोदी उठ गया। अपुनात्माओं, इस दृश्य को देखने के लिए वहाँ कई हजार दर्शक खड़े थे, मुसलमान और हिंदू। अब शेख तकी तमान्या नहीं, पर उन हजारों की श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट बन गई और सब ने कहा प्रभु आपने कमाल कर दिया, आप तो परमात्मा आए हो, हमें दीक्षा दे दो, हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कई हजारों ने परमात्मा की दीक्षा ली। अब शेख तकी के फिर आग लाग गई, क्योंकि राज तजना सहज है सहज दरिया का ने, ये मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।